कालिका धाम ज्योतिष किशनपुरा जालंधर में निःशुल्क दुख निवारण चंडी महायज्ञ के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मां महाकाली की चौकी एवं भंडारी का आयोजन बड़ी ही श्रद्धा भाव से आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ बबलू पंडित की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें प्रसिद्ध गायक मुकेश इनायत ने मां महाकाली की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, सांसद सुशील रिंकू, पूर्व कैबिनेट मंत्री अवतार हैनरी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व CPS KD भंडारी सूरज लाहौरिया, रत्नेश सैनी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ बबलू पंडित ने आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया। इस मौके पर संजीव कुकन सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे, तो वहीं भंडारा सारी रात चलता रहा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी भगवती माँ के चरणों में लगाई है, हमारे बाबूजी श्रीमान श्री शीतल जी, इनका नाम लेते ही जुबान से खुशबू आनी शुरू हो जाती है। बाबूजी सनातन की बात की जाए तो आपका बहुत आशीर्वाद है हर एक सनातनी पर। मैं चाहूंगा सभी लोग श्री जमीपुर मंदिर श्री शीतल जी का रब चौकी कालिका धाम ज्योतिष किशनपुरा में माँ चंडी के आशीर्वाद से बहुत खूब तरीके से मुकेश शिनायत जी आज दूसरी बार हाजिरी भर रहे हैं और भर दे। मुकेश जी ने कहा कि जब नया साल शुरू हो तो 9 तारीख मेरी बुक है, आप चाहे कोई और सिंगर भी करोगे तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। तो आदरणीय बाबूजी शीतल विज जी, दैनिक सवेरा परिवार, कालिका धाम हर शनिवार को दुख निवारण चंडी महायज्ञ 250-300 भक्त बैठ करके निरंतर करते हैं और दैनिक सवेरा में हर बार बहुत विस्तार से भक्तों को खबर पढ़ने को मिलती है। बाबू जी को वैसे ही बहुत सपोर्ट रहता है, सहयोग रहता है।
मतलब मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि पर्दे के पीछे कुछ और है, मैं तो केवल आगे आगे चल रहा हूँ। भंडारी साहब बैठे हैं और हमारे बहुत ही अजीज, वैसे ये शहर के एमपी है, नेता है पंजाब के, पर मेरे बड़े भाई साहब हैं, बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है। और जब हमें एक दूसरे से बात करनी होती है तो कई बार मैं भी विजी, मेरे पास भी पब्लिक, और मेरे से कई गुना ज़्यादा विजी एमपी साहब। लेकिन रिकॉर्ड है कि अगर मैं एक फ़ोन कर दूँ गलती से भी चला जाए तो सिंगल फ़ोन में एमपी साहब फ़ोन उठाते हैं, और मैं करता भी केवल लोगों के उपकार के लिए हूँ, काम के लिए, और नहीं तो मैसेज डाल देता हूँ, हो गया, और मैसेज में काम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा लीडर, ऐसा एमपी हमेशा चाहिए शहर को, और महारानी के बहुत बहुत आशीर्वाद है, और वैसे भी कालिका धाम में अक्सर पहुँचते रहते हैं। लगातार तीसरी मादी चौंकी हो रही है जिस दे विच साडियां मातावां, साडियां भैणां, साडियां बच्चियां, साडे बजुर्ग और नौजवान साथी आके माँ दा आशीर्वाद लै रहे है, और उहदे विच उचेचे तौर ते साडे सनातन धर्म दे बहुत ही प्रहरी और शिवतला मंदिर दे देवीतला मंदिर दे मुख सेवादार आदरणीय शीतल बीर साहब भी हाजरी पा रहे हैं, और मेरा छोटा वीर मैंबर पार्लियामेंट शशि रिंकू साहब भी हाजरी पा रहे हैं, महामारी का आशीर्वाद लै रहे हैं। मैं सारी संगत का बहुत ही धन्यवाद करना, मैं और मां अगे अरदास करूँगा कि थोड़े सारे के घर के खुशियां ते मंगल होवे। बहुत ही आदरणीय साढ़े पंडित जी, पंडित बबलू जी महाराज, अज उन्हां दे उपराले सदका बहुत विशाल प्रोग्राम है। महामाई माँ काली माता दी जिहड़ी पवित्र चौंकी, उन्हां दा समागम अज कालिका धाम वल्लों करवाया जा रहा। सो मैं पिछले कुछ समय तो पंडित जी महाराज दे नाल जुड़िया, और इन्हां दी हर एक संभव कोशिश हुंदी है कि जिन्नी भी संगत कालिका धाम दे विच नतमस्तक होण दे लई आंदी है, हर एक नूं उस महामाई दे पवित्र चरणां दे नाल जोड़दे है, और महामाई दा जिहड़ा अलौकिक आशीर्वाद है कालिका धाम दे विचों जिहड़ा हर संगत नूं मिलदा। हर शनिवार दे शनिवार जिस दिन मैनूं पहली वारी दर्शन करन दा मौका मिलिया सी, तां मैं देखिया कि हर हफ्ते जिहड़ी है संगत का जिहड़ा गिनती आ हर हफ्ते जिहड़ी वध रही है। सो अगर किसी नूं किसी दरबार दे विच आके शांति मिलती है, झोलियां भरदे आ, तां ही जिहड़ी संगत दा दरबार दे नाल जुड़दी है, और पंडित जी हमेशा हर एक दे नाल परिवारिक रिश्ते परिवार की तरह हर एक दे नाल विचरदे आ, जुड़दे आ। सो हर एक संगत नूं एक बहुत वड्डा आशीर्वाद है जिहड़ा कालिका धाम दे विचों जिहड़ा प्राप्त हुंदा, और खास करके मेरे वीर संजीव शर्मा जी जिन्हां दीआं बहुत वड्डियां सेवावां, और बहुत वड्डी गिनती दे विच मैं देख रहा कि साथी जलंधर दे वख-वख इलाकियां तों, बस्तियां इलाके तों, पूरे जलंधर दे कोने कोने तों जिहड़े साडियां मातावां भैणां वीर
ਇਸ ਮਹਾਂ ਯੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਮਾਈ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਦਰਨੀਏ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਆਦਰਨੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵੇਦ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਾਲਿਕਾ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਡੀ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਲਿਕਾ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਲੀ ਹੈ, 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਨਾਤਨੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਉਮੜ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਸ਼ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਏਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਈ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੇ ਭਗਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਯੇ ਬਚਲਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੇ ਭਗਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਯੇ ਬਚਲਾ ਦੇ ਹਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੇ ਭਗਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਯੇ ਬਚਲਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੇ ਭਗਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਯੇ ਬਚਲਾ ਦੇ ਉਨਕਾ ਹਾਥ ਉਨਕਾ ਰੋਹੀ ਗਰਮ ਸਤਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੇ
ਅਮਰਾਮ ਨਾਮ ਕੇ ਭਗਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਜੇ ਬਤਲਾ ਦੇਂਦੇ ਅਮਰਾਮ ਨਾਮ ਕੇ ਭਗਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ तीसरी विशाल चौकी कालीगढ़ धाम ज्योतिष परिवार की तरफ से हो रही है और आदरणीय भाऊ जी अवतार हेमली जी, मुझे याद है आज ये एक्चुअली 9 तारीख को मेरी बेटी का जन्मदिन भी होता है और इसी दिन महारानी की चौकी का आयोजन किया गया था, तो इत्तेफाक है। वैसे बड़े भाऊ जी कम जा पाते हैं, बाबा जी अक्सर पहुंच जाते हैं, लेकिन सृष्टि के हर जन्मदिन पर इसी बहाने जब हमने पहली बार होटल में मनाया था तब भी वहां पर गए और डेढ़ दो घंटा बैठ के आए थे, तो ऑटोमेटिक ही है। और कभी भी कालिका धाम की तरफ से कोई जरूरत पड़ जाए यहाँ के सेवादारों को या किसी मेंबर को, तो बहुत सारा योगदान हैनवी परिवार का हमेशा रहता है।